कई बार यात्रा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सड़कों पर अलग अलग तरह और रंग की लाइनें होती हैं, अर्थात चिन्ह होते हैं। ये क्या दर्शाते हैं? क्यों इन लाइनों को सड़क पर बनाया जाता है? भारत में देखा गया है कि कई बार ड्राइवर सड़क के नियमों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना ही एक ऐसा कार्य है जो ज्यादातर लोगों के लिए अमल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए दुर्घटनाओं का होना सामान्य बात है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सड़कों पर जो चिन्ह होते हैं वे या तो सफेद या फिर पीले होते हैं, और कभी कभी एक लाइन या फिर टूटी लाइन होती है। भारत में इनमें से प्रत्येक रोड मार्क्स वास्तव में अलग अलग संकेत देते हैं जो सड़क पर चालकों के लिए अलग अलग अनुमति प्रदान करते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से सड़कों पर जो रंगीन रेखाएं और चिन्ह बने होते हैं वे क्या दर्शाते हैं और किस प्रकार उनका पालन करके हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं के बारे में आज अध्ययन करते हैं। सीधी सफेद लाइन। यदि सड़क पर सीधी सफेद लाइन होती है तो इसका अर्थ है कि आपको लेन नहीं बदलना और उसी लेन पर सीधे चलना होगा। आप किसी भी वाहन को इस एरिया में ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप किसी बाधा से बचने के लिए या सड़क से बाहर जाने के लिए इस लाइन को पार कर सकते हैं। इस सीधी सफेद लाइन को बैरियर लाइन भी कहते हैं। टूटी हुई सफेद लाइन। टुकड़ों में बटी हुई यह सफेद लाइनें सड़क को दो लेन वाली सड़क में बदल देती है। ये लाइनें आमतौर पर टू वे सड़कों पर मध्य रेखा के रूप में उपयोग की जाती है और यह यातायात सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन टुकड़ों में बटी हुई सफेद लाइनों को लेन विभाजक भी कहते हैं। इसका उपयोग एक ही दिशा पर सड़क में लेन चिन्हों के रूप में किया जाता है। डबल सफेद लाइनें। निरंतर समांतर दो सफेद लाइनों के इस प्रकार का मतलब है कि चालक को आगे निकलने की अनुमति नहीं है। सड़क के किनारे पर निरंतर पीले रंग की लाइन। सड़क के किनारे पर लगातार पीले रंग की रेखा इंगित करती है कि सड़क के किनारे पर कोई भी वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं है। सड़क के मध्य पीले रंग की लाइन। सड़क के मध्य पीले रंग की लाइन ये दर्शाती है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं या वाहन को पास कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी पीली रंग की लाइन में ही होना चाहिए। आप इसे पार नहीं कर सकते हैं। इसे ऐसे कहा जा सकता है कि पीले रंग की लाइन सफेद लाइन से अधिक शिष्ट है और इसलिए यह आपको जटिल परिस्थितियों में पीली लाइन को पार करने की अनुमति देता है। डबल पीली लाइनें। डबल पीली लाइनें कभी भी क्रॉस नहीं की जा सकती जब तक कि यह एक बड़ी बाधा से बचने के लिए ना हो। आमतौर पर यह लाइनें दो लेन की सड़कों पर उपयोग की जाती हैं। इसका उपयोग लेन के विपरीत दिशा में जा रहे ट्रैफिक के साथ पार करने के लिए किया जाता है। एक टूटी हुई सफेद लाइन यदि एक सीधी सफेद लाइन में बदलती है। तो यह इंगित करता है कि कोई भी लेन बदला नहीं जा सकता है जब तक कि सीधी सफेद लाइन फिर से टुकड़ों में ना बदल जाए। स्टॉप लाइन। इसे स्टॉप लाइन कहा जाता है। इस तरह की लाइन को सड़क के चौराहे पर किनारे से पहले चित्रित किया जाता है, जो कि यह दर्शाता है कि जब भी ट्रैफिक को रोकने की उम्मीद होती है तो आपको स्टॉप लाइन से पहले ही अपना वाहन रोकना पड़ता है। स्टॉप लाइन को कूदना या फिर पार करना एक अपराध है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग। सड़क पर चित्रित वैकल्पिक काले और सफेद लाइनों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कहा जाता है। यह वह जगह है जिसके माध्यम से पैदल चलने वाले सड़क पार करते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखकर हमेशा सावधान रहें और जब भी आवश्यक हो तो पैदल चलने वालों को पार करने से पहले अपना वाहन रोक दें। गिव वे लाइन। ये समानतर टूटी हुई सफेद रेखाओं को गिव वे लाइन कहा जाता है और इसका मतलब ये है कि आपको विपरीत दिशा से आने वाली वाहन को जगह देना है। एक सीधी और टूटी हुई लाइन का संयोजन। इस तरह की लाइन का यह मतलब है कि अगर आपकी तरफ की लाइन टूटी हुई हो तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, यदि आपकी तरफ की लाइन सीधी हो तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अन्य ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय।